देसी किचन पे आज राइस का कटलेट, राइस पकौड़ा जिसको बोलेंगे, वो बनाने जा रहे हैं। ये 250 ग्राम राइस है बॉईल किया हुआ, आलू जो मसाला है, आलू है इसमें, एक आलू है, आलू मिक्स है, ये धनिया पत्ता है, लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है, कांदा जो काटा है बारीक बारीक, नींबू निचोड़ देंगे, लास्ट में मसाला सामग्री बना रहे अभी बताने का। ये आलू का जो मसाला है ये राइस के अंदर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर हल्का से इसके अंदर डालेंगे, सॉल्ट है वो डाल देंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, ये जो नींबू है इसके अंदर निचोड़ देंगे, कांदा जो काटा है बारीक बारीक इसको इसके अंदर डाल देंगे और ये सामग्री को पीस लेंगे मिक्सी में। अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट था अभी इसके अंदर पीस के मिक्सी में पीस लिया, इसको इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लीजिए, अच्छे तरह से मिक्स। इसको मसाला थोड़ा देर 2 से 3 मिनट उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा इसको गोला बना लीजिए। ये कॉर्नफ्लोर इसमें है तो घोल में से डुबाइए हल्का सा। ये ब्रेड का, ब्रेड लाने के बाद ब्रेड का पाउडर है तो ऐसे लाइए, और ये तेल गरम है इसमें हल्की आंच में छोड़ दीजिए, हल्का सा उसको फ्राई करते जाइए। राइस कटलेट बन के रेडी है आप लोगों के लिए, बोलते हैं राइस कटलेट। तो गर्मा गर्म टेस्टीदार भरकदार जो कटलेट रेडी है आप लोगों के लिए, देखिए और जाके घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए। देखिए बन के रेडी है सुदेशी किचन पे चावल का कटलेट, जिसको चावल का पकौड़ा आप लोग बोलिए, चावल का कटलेट बोलिए। तो देखते रहिए सुदेशी किचन, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।